आप देख रहे होंगे ना, जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। जब सदन में सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तब कहीं न कहीं एक चेतावनी थी हर एक माफिया के लिए जो गलती कर चुका है और गलती करने वाला है। और गलती कर चुके माफिया अतीक अहमद अब धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। पहली बार किसी मामले में उसे सजा मिली और ये उदाहरण था कि अब योगी राज में माफियाओं की नहीं चलेगी। सदन के बाद सीएम योगी ने अतीक को सजा मिलने के बाद बिना नाम लिए उस पर चुटकी ली है और ये एक चेतावनी थी बदमाशों के लिए। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्कूल चलो अभियान 2023 और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से अपने स्कूल वाले गांव में भ्रमण करने और ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने का आह्वान किया। इसी बीच बोलते बोलते उन्होंने अतीक का बिना नाम लिए उस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने तो पहले ही कहा कि समय सबको सब बता देता है। जो पहले माफिया पहले सत्ता में थे, आज उनकी क्या हालत हो रही है। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है, याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। तो साफ तौर पर यह बयान माफिया अतीक के लिए ही था, क्योंकि पहले भले ही सत्ता में रहकर उसने कई पाप किए हों, लेकिन योगी राज में उसका क्या हाल हो गया है ये तो सभी को पता है। अब इस दमदार भाषण के बाद लोग भी सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जहां एक यूजर ने लिखा, महाराज जी आपके राज में कई माफियाओं का अंत तय है, हम सब आपके साथ हैं। दूसरे यूजर ने तो बंगाल में सीएम योगी की डिमांड की और लिखा, बंगाल में भी एक योगी की जरूरत है। एक और यूजर ने लिखा, गुरु जी आपका भौकाल टाइट है। एक और यूजर ने लिखा, अच्छे कार्यों की प्रशंसा हमेशा होती है। तो जनता भी सीएम योगी के अंदाज की फैन हो गई है। फिलहाल आपको बता दें, जब राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, तब सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कहीं बुलडोजर चल रहा था तो कहीं एनकाउंटर हो रहा था। उमेश पाल के हत्याकांड के आरोपियों पर जमकर कार्रवाई हुई, फिर बारी आई अतीक की, और अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज कोर्ट ने अतीक समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि 7 को बरी कर दिया गया। चलिए अंत में आपको सीएम योगी का पूरा बयान सुनाते हैं। कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना, जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, ये आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है, याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और अन्यायी के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा।